हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी रात के 9 बजे से, क्योंकि अभी आयांश भी सो चुका है, मेरा बेटा सो चुका है, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जब वो रहता है आसपास बैठा हुआ तो हल्ला करता ही रहता है, क्योंकि आपको पता है बच्चे हल्ला करते ही रहते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज के जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का, जो मेरा एक ख़ास टॉपिक है वो है जो है दीपा नेगी पहाड़ी पर मुझे वीडियो बनानी है। इनके ऊपर क्या बनानी है, मैंने कुछ दिन पहले, एक हफ़्ते पहले इनका ब्लॉग देखा था, क्योंकि उनके जो उनको इतना गंदा कमेंट आया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब मैं ये सोचती हूँ दोस्तों कि कोई किसी के लिए ऐसा कमेंट कैसे कर सकता है। बहुत ही गलत कमेंट, जो कि बहुत ही भद्दा कमेंट था, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पे लगा दिया था। और मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, तो मैं खुद ही इतनी हैरान हो गई। तो उनको कैसा लगा होगा जिनके लिए ये कमेंट आया था, कितना बुरा लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसा कमेंट कैसे कर लेते हैं लोग। और मैं बहुत हैरानी होती है कि ऐसे हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, वो बता रही थी कि उन भाई जी ने, कोई भाई जी हैं और उनका ना, वो भी खुद भी ब्लॉग बनाते हैं, जबकि वो खुद भी ब्लॉग बनाते हैं तब भी उनके ऐसे कमेंट पढ़ के मुझे भी हैरानी होती है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कि दूसरों को अनपढ़ कहते हैं, और खुद इतने पढ़े लिखे होकर, खुद अगर पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने ऐसा कमेंट कैसे कर दिया। तो मैं उन भाई जी से भी यही कहना चाहूँगी कि आपने जो कमेंट किया है ना, उसे, जो आपने उनके लिए कमेंट किया है, उस कमेंट को पढ़ के हर किसी को पता चल चुका है कि आप कितने शिक्षित हो, कितने एजुकेटेड हो, जो आप एक औरत के लिए ऐसी थिंकिंग रखते हो। और जो दीपा नेगी पहाड़ी जी है ना, उनको तो सभी जानते हैं, और सब जानते हैं उनको, फेस वाइज उनको सब जानते हैं। और मैंने जब उन्होंने बताया था कि उनके लिए कमेंट आया था, तो उन्होंने एक बार उस चीज़ को इग्नोर करा और उस कमेंट को डिलीट कर दिया, ताकि बात आगे ना बढ़े। छोड़ो, क्योंकि देखो दोस्तों, कमेंट ना हर कोई पढ़ता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी, मतलब हर कोई कमेंट पढ़ेगा। तो उतनी बार ना बहुत बुरा लगता है, कोई कमेंट, कोई टॉट भी मार देता है कि तेरे लिए ऐसा कमेंट आया था, तेरे लिए ऐसा कमेंट आया था, क्योंकि बोलते ही हैं। और फिर वो गांव में रहती हैं, और गांव जैसे माहौल में तो लोग बिल्कुल नज़र गड़ा के रखते हैं कि कब किसकी गलती निकाली जाए और कब किसके लिए क्या बोला जाए, मतलब बात सुनाने के लिए, क्योंकि वो एक बहू है गाँव की, और उनके मतलब सब साथ रहते हैं। गांव का वो काम भी करती है, खेती बाड़ी सब काम करती है, उसके बावजूद भी अपने ब्लॉग बनाती है और इतनी मेहनत करती है। सब लोग उनको जानते हैं अच्छे से कि वो कितनी मेहनत करती है, और इतनी फेमस हो चुकी है, सिंगिंग भी करती है, सिंगर भी है। मैं बहुत पहले से ही उनके ब्लॉग देखती हूँ बहुत पहले से ही, तो सभी जानते हैं वो कितनी मेहनती है, और ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो जिस तरीके से उन्होंने उनके लिए कमेंट किया था कि बहुत ही भद्दा, मतलब इतना नीचे गिर के अगर कोई कमेंट कर सकता है, वो भी एक औरत के लिए, और जो पहाड़ में रहती है ना महिलाएँ, वो सभी जानते हैं कि वो कितनी मेहनत करती है और कितनी मेहनत से वो आगे बढ़ी है ना, कितना उन्होंने काम किया है, कितना। मैं उनके पहले भी उनके ब्लॉग देख चुकी हूँ, वो अपने ब्लॉग में बता चुकी हैं कि उन्होंने गांव में कितनी मेहनत करी है, और कितना उन्होंने लोगों ने उन्हें कितना सुनाया, कितना उन्होंने बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया, कितना लोगों की बातों को, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो आगे बढ़ी है। उनको सब ने रोकने की कोशिश करी कि आप ऐसा मत, मतलब तुम ऐसा करो, ये जगह जगह वीडियो बनाती है, बहुत मतलब नाम रखते ही हैं गांव में, आप कोई भी हो तो गांव में ना लोग नाम रखते ही हैं कि ये जगह जगह पहुंच जाती है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर भी उन्होंने उन चीज़ों का सामना करके वो आगे आई है और इतना आगे पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बहुत सुना है गांव में, बहुत लोगों की बातें सुनी, मतलब अभी आज तक भी लोग सुनाते हैं, लेकिन लोग ना किसी की तरक्की नहीं देखते। लेकिन आज जब वो बहुत ऊपर पहुँच चुकी हैं, मतलब उनकी जो तरक्की है वो इतना ऊपर पहुंच चुकी है ना, आज लोग शायद उन पर उंगली उठाने से एक बार ज़रूर सोचते होंगे कि हम किससे बोल रहे हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे से मतलब हर चीज़ करती हैं, मतलब इतनी
मतलब खुश होके, और आपने देखा होगा उनका हमेशा फेस हंसता हुआ ही रहता है, वो हंसते हंसते ही बोलती हैं, इतनी खुश रहती हैं, उन्हें देख के नहीं लगता है कि वो अंदर से परेशान हैं या हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन उन्होंने ना उस जगह में जहाँ पर वो आज पहुँची हैं, उस जगह में उन्होंने पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत लोगों के ताने सुने हैं, बातें सुनी हैं, बहुत ज़्यादा सुना है, तो आज वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करने के बजाय वो देखो ये सोचिए ना आप, वो गांव में रह के उन्होंने उनकी एजुकेशन भी रही होगी, और उन्होंने मतलब सारा गांव में सारा काम करते हुए, माँ का फर्ज निभाया, भाई का फर्ज निभाया, सारे काम करते हुए उन्होंने वीडियो भी बनाई, और वो आज आगे भी पहुंच चुकी हैं, और आज लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। ये सोचो कि गांव में उन्होंने इतनी मेहनत, गांव में रह के उस महिला ने इतनी मेहनत करी है, वो आगे बढ़ी है, और लोग देखो कितने गंदे कमेंट करते। लेकिन मैं उन भाई जी से ये कहना चाहती हूँ, मतलब इतना, अगर वो भाई इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस तरीके का उनको कमेंट किया था कि, और वो देखो वो इतनी समझदार थी, उन्होंने एक बार उस वीडियो उस कमेंट को डिलीट करा ताकि बात ना बढ़े आगे, चलो कोई और भी ना पढ़े, क्योंकि 36 लोग पढ़ते हैं तो 36 बातें बनाते हैं। गांव मोहल्लों में तो पता ही आपको, शहरों में तो चलो है कि लोग वो करते हैं क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले रहते हैं तो नहीं बोलते, लेकिन गांव का ना एक पूरा जो पूरा गांव होता है वो अपना ही होता है, फिर आसपास के गांव होते हैं, मिलना जुलना रहता है, लोग फिर ताने सुनाते ही है गांव में। तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, अब लगाओ कि उस भाई ने उसके बावजूद भी उनको, उन्होंने ना उस कमेंट को डिलीट कर दिया था कि चलो कोई बात ना बढ़े आगे, फालतू में इस कमेंट का क्या जवाब दूँ मैं, मतलब इतना गंदा भद्दे तक ढंग से किया हुआ है कमेंट। उन्होंने अपनी स्क्रीन पे भी लगा रखा था, देख सकते हो आप, 3-4 दिन मतलब 4-5 दिन पहले का वो कमेंट है जो उनके लिए आया था। तो दोस्तों मैं उन भाई जी से भी ये कहना चाहूँगी, अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं, अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इतने मतलब अपने आप को इतना होशियार समझते हैं, तो ऐसा कमेंट उन्होंने एक औरत के लिए कैसे कर दिया। ये तो साफ जाहिर होता है कि कौन कितना एजुकेटेड है। अगर कोई अनपढ़ महिला भी होगी ना, कोई अनपढ़ इंसान भी होगा ना, वो भी ऐसी बात नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे कमेंट करेंगे ना, तो पढ़ लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप जैसे पढ़े लिखे जो आप ऐसे लिख रहे उनके लिए, कि उनके लिए इनका कमेंट था कि ये दो कौड़ी के छपरी लोग, दो कौड़ी के, देखो कितना गंदा और भद्दा वर्ड, दो कौड़ी के छपरी लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में थोड़े फेमस क्या हो जाते हैं, तो ये अपने आप को बहुत वो समझने लग जाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का कमेंट था, फेमस हो जाते हैं और अपनी औकात दिखा देते हैं, फिर कुछ दिन बाद अपनी औकात दिखा देते हैं, इस तरीके का कमेंट था, मगर इतना गंदा कमेंट देखो ना। फिर उन्होंने जब उस कमेंट को डिलीट करा तो उन्होंने इग्नोर करा कि चलो, इस कमेंट का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो बंदा बिल्कुल एक्टिव होके उनको दोबारा कमेंट करता है कि कमेंट डिलीट करने से तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं जाएगी, ऐसा कमेंट करता है, तो ऐसा कि तुम ये देखो, कमेंट डिलीट करने से तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं जाएगी, तो वो कहती हैं ऐसी क्या सच्चाई है कि भाई जी आप किसके लिए कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। तो वो जवाब देता है कि जो तुम पढ़ रहे हो, मतलब जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे लिए ही तो कहूँगा, मतलब कुछ इस तरीके का बोलता है, मुझे अभी लाइन याद नहीं है, मतलब इस टाइप से आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इस तरीके का उनका कमेंट था। तो मैंने ना दीपा नेगी पहाड़ी जी के ब्लॉग में जाके उस कमेंट को आप पढ़ सकते हो, जबकि वो भाई खुद ब्लॉग बनाते हैं, खुद अच्छे से ब्लॉग बनाते हैं, और वो एक इतना ब्लॉग बनाने वाला एक इंसान और दूसरे ब्लॉगर को, एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को इस तरीके का कमेंट कर रहा है, और ख़ास करके वो भी पहाड़ी है और पहाड़ से ही जुड़ा हुआ है, पहाड़ का रहने वाला है, उत्तराखंडी है, और बताओ एक औरत के लिए ऐसा कमेंट कर रहा है, मतलब इतनी जलन, मतलब क्या है वो, इतना मतलब इतना तो कोई करीबी भी नहीं करता है, और ये ना पता नहीं क्या है, इन्होंने इतना गंदा कमेंट उनके लिए करा। तो मैं उन भाई जी से यही कहना चाहूँगी कि भाई जी अगर आप एक औरत के लिए ऐसा कमेंट कर रहे हो, वो भी देखो आप खुद देख सकते हो कितनी मेहनत करती हैं, और वो कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी हैं, तो किस तरीके की दो कौड़ी की दो छपरी लोग मतलब अपनी वो अपनी मेहनत से फेमस हुई हैं।
अपनी मेहनत से फेमस हुई है, ऐसे ही फेमस नहीं हुई हो, ठीक है, तो आपको ऐसा बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप जो बोल रहे हैं अनपढ़, अनपढ़ आप जिस तरीके का कमेंट उनके लिए कर रहे हो ना, तो साफ पता चलता है, साफ पता चलता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन कितना अनपढ़ है। एक एजुकेटेड, अगर आप एजुकेटेड हो ना, तो अगर आप जैसे इंसान एजुकेटेड हैं जो इतने गंदे कमेंट करते हो ना, तो इंसान को ना शिक्षित हो मतलब एजुकेटेड होना भी एक गुनाह हो जाएगा। अगर तुम्हारे जैसे एजुकेटेड लोग इस तरीके की बातें करने, अरे तुम्हारे जैसे मतलब कितने बड़े लोग भी हो जाए ना, वो भी ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। तुम क्या हो, मतलब आप क्या हो कि आप ऐसे मतलब इतना ऐसा गंदा कमेंट, भद्दा कमेंट आपने जो उनके लिए करा, तो यार बहुत ही गलत बात है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चाहे तो उन्हें सॉरी भी बोल सकते हैं, तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। अब सोचिए अगर आप ऐसा ही कमेंट आपके लिए आता, या आपकी माँ बहन, मतलब वो भी तो एक औरत है जिसके लिए आप ऐसा कमेंट कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है भाई जी। एक माँ, एक बहन और एक बीबी, बेटी सब दिखती है एक औरत में, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप जिस औरत के लिए एक कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट को कोई और भी पढ़ सकता है। क्या पता आपकी मम्मी पढ़े, आपकी माँ बहन भाई जो भी है पढ़ते होंगे। तो बहुत ही गलत बात है भाई जो आपने ऐसा कमेंट किया, ठीक है, नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कितनी मेहनत करती है, कितनी। अगर आपका कोई पर्सनल ही दुश्मनी है तो आप उस तरीके से उसको बोल सकते थे, लेकिन जो आपने ये सोशल मीडिया पे जो ऐसा बहुत ही भद्दा कमेंट था और बहुत ही गंदा कमेंट था, आपको ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन कमेंटों को ना सब पूरी दुनिया पढ़ती है, सब पढ़ते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है, और तो उससे साफ जाहिर होता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा कमेंट आया था। तो दोस्तों मेरा, मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ना किसी के लिए ऐसा कमेंट मत कीजिए कि जिससे कि उनके ना किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, और बहुत बुरा लगता है किसी को भी नहीं। मैं नहीं चाहती, मैं ये नहीं कहती अगर आपको किसी का ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है तो तभी आप ऐसा कमेंट मत कीजिए। मैं ये कहती हूँ तो अगर आप बुरा अच्छा नहीं लिख सकते तो मत बोलो, अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी मत लिखिए, क्योंकि नहीं मत लिखो कोई, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका कमेंट करना वहाँ पे एक गंदा कमेंट करना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। तो दोस्तों ऐसा कमेंट किसी के लिए ना करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे, और कि कोई कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कमेंट को ना बहुत डीपली ले लेते हैं, बहुत डीपली ले लेते हैं, बहुत मतलब सोचना पड़ता है आपके कमेंट से किसी के ना, मतलब कोई ना कितना डिप्रेशन, कोई कितना उसमें जा सकता है ये आप खुद सोच नहीं सकते, मतलब कितना परेशान हो सकता है कोई। तो ऐसा कमेंट ना करें, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ना ऐसा कमेंट ना करें, किसी के लिए भी ना करें, बहुत ही गलत है। और फिर सोशल मीडिया चैनल है तो आप जानते ही हैं, कोई आपके लिए ऐसा भद्दा कमेंट रहते हैं, तो आप अगर आपके लिए भी कोई ऐसा कमेंट करे तो आपको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, आपकी फैमिली पढ़ेगी उस कमेंट को, आपकी मम्मी पापा भाई बहन बच्चे बीबी सब पढ़ेंगे, बीबी पति जो भी है, चाहे वो लेडीज़ कर रही हो चाहे वो जेंट्स कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो। तो आप किसी के लिए भी रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की, जब आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये जानते ही हैं आप, जब हम आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे ना, पहले रिस्पेक्ट दो फिर रिस्पेक्ट लो, ठीक है। तो अगर हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो कोई हमारे लिए बुरा नहीं सोचेगा, हम दो शब्द अच्छे लिखेंगे तो हमारे लिए भी कोई अच्छा लिख के आएगा, ठीक है। अगर हम किसी के ब्लॉग देखते हैं तो जैसे किसी का ब्लॉग देखते हैं हमें बहुत पसंद है, हम दो प्यार की बातें उसमें लिख देंगे कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं मैम, या आप ना बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, प्लीज़ आप हमारी बात का रिप्लाई कीजिए, तो वहाँ से भी एक अच्छा ही रिप्लाई आएगा। लेकिन अगर आप इधर से एक गंदा मैसेज भेजते हो कि तुम बहुत ही घटिया तरीके की इंसान हो, तुम क्या दिखाना चाहती हो, या इस तरीके से आप करोगे, तो वहाँ से भी आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि वहाँ से भी और भी बुरा जवाब मिले, और कभी कभी ना इन चीज़ों का ना बहुत बुरा असर हो जाता है, और ये बातें बहुत आगे तक
चली जाती है, आगे तक खींचती रहती है, खींचती रहती है कि इधर से हुआ, फिर उधर से हुआ, फिर बहुत लंबी खींच जाती है यही बातें, और ये एक दिन दुश्मनी का कारण भी बन जाती है। तो दोस्तों ऐसे कमेंट को, और मैं ये कहती हूँ बाकी से, ऐसे कमेंट को ना या तो इग्नोर भी कर लीजिए जैसे वो कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने इग्नोर किया था उस कमेंट को, लेकिन उस बंदे ने फिर दोबारा से कमेंट करके उनको उकसाया, उकसाया ही कहेंगे, क्योंकि भाई दोबारा तुम, पता है तुमने उस बंदे ने पढ़ लिया और वो नहीं चाहता कि उस बात का जवाब दे, उन्होंने डिलीट कर दिया, उसके बाद भी आपने उनके लिए दोबारा कमेंट करा, और जो कि उनकी भावनाओं के लिए, भावनाओं के खिलाफ था, क्योंकि कोई इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए सोच समझ के कमेंट करें और किसी की भावना के साथ ना खेले, आत्मसम्मान को यही रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये भी कहती हूँ आपको, मेरी चीज़ मेरी, मैं ये भी कहती हूँ आपको, अगर हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट मत कीजिए, एक बुरा कमेंट भी मत कीजिए, हाँ एक अच्छी सलाह दे सकते हो, एक अच्छी सलाह दे सकते हो कि आपने यहाँ पर गलती करी है, आप गलत चीज़ कर रही हो, एक अच्छे से और वो भी तमीज़ से, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ एक दो शब्द का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को, किसी की आत्मा को, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ठेस पहुँचा रहे हो, मतलब बहुत ही गंदे और भद्दे जो आप ना बुरे तरीके से बोलते हैं ना, तो ऐसा मतलब एक अच्छे शब्दों में भी उस चीज़ को दर्शाया जा सकता है, एक अच्छे शब्दों में भी जब हम किसी को बोलते हैं ना, जब हम किसी को जवाब देते हैं तो अगर हम उसको तू तड़ाक से एकदम से बोलेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, उसको एक गंदे से जवाब देंगे, और वही चीज़ अगर हम प्यार से बोलेंगे ना तो सामने वाला समझेगा। अगर तुम बोलोगे नॉर्मली, तुम किसी को बोल रहे तू ये क्या कर रही है, तेरा तो ऐसा है, तू ऐसी है, मतलब कुछ भी इस तरीके से, तो वो सामने वाले को बहुत गलत लगेगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर प्यार से बोलोगे ना, मैम रिस्पेक्ट, ये सबसे पहली बात है रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो सबसे पहले। अगर आपको किसी की चीज़ गलती लगती है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, मैम आप ये चीज़ ना आपकी बहुत ये मैम ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी है, और अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, प्लीज़ अगर आप इसमें सुधार कीजिए, या अच्छा नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा मत कीजिए, तो इस तरीके से बोलेगा तो सामने वाले को लगेगा यार इसने मुझे रिस्पेक्ट से बोला, तो वो रिस्पेक्ट से ही आपको जवाब देगा कि ओके सर, ओके मैम, ज़रूर आपकी बातों का मैं ध्यान रखूँगी। लेकिन अगर आप इस तरीके को बोलोगे, अरे तू क्या करती है ये, तेरा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तेरी शकल ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तू इस तरीके, तो ये बहुत भद्दा लगता है, और किसी की भावनाओं के साथ खेल होता है, एक ठेस पहुंचाना होता है, किसी आत्मा को ठेस पहुंचाना होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और मैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी को कभी ठेस मत पहुंचाओ, और रिस्पेक्ट दोगे तो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और चाहे वो कमेंट के जरिए हो, चाहे वो ब्लॉग के जरिए हो, चाहे वो किसी के जरिए हो। और अब मैंने भी उन भाई जी के लिए कोई गलत नहीं बोला है, मैं बस यही मैं उनको भी रिस्पेक्ट के साथ ही बोलूँगी, भाई जी आपने ये कमेंट बहुत ही गलत किया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, और उनको तो हर कोई जानता है, दीपा नेगी जी को तो हमारे पहाड़ी लोग सब जानते हैं, वो बहुत अच्छी कलाकार है, सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, वो अपने जिले की हर चीज़ को, उनके बोलने का तरीका बिल्कुल खुश मिजाज हंसी के साथ, हर चीज़ उनकी हर वीडियो उनकी हंसी के साथ ही शुरुआत होती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी, अगर आई है तो, अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।